प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूँ सोनिया सरोजा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्वाति का पाठ 6 मीतू की प्रतिज्ञा। तो आइए सबसे पहले पाठ के नाम की ओर चलते हैं। मीतू की प्रतिज्ञा। मीतू एक छोटी सी लड़की है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा अर्थात संकल्प, इरादा। तो इस पाठ में मीतू ने क्या प्रतिज्ञा की है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों पाठ को शुरू करने से पहले मैं सारांश के विषय में बता दूं आपको। बच्चों यह पाठ वातावरण पर आधारित है। इसमें हमारे पर्यावरण की चर्चा की गई है कि आज का पर्यावरण किस प्रकार दूषित हो रहा है, कैसे वो दूषित पर्यावरण हमारे लिए हानिकारक है और हम उसे कैसे साफ स्वच्छ रख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ मीतू की प्रतिज्ञा। इसके मुख्य पात्र हैं मीतू, दादाजी और माँ। बच्चों हमारा यह पाठ संवाद शैली पर आधारित है। संवाद क्या होता है? संवाद होता है बातचीत, वार्तालाप। तो इस पाठ में मीतू, दादाजी और माँ, इन सब की वार्तालाप के विषय में बताया गया है। तो बच्चों कहानी शुरू करते हैं। मीतू एक छोटी सी लड़की है जिसके दादाजी गांव में रहते हैं और आज उसके दादाजी गांव से वापस शहर में आने वाले हैं। तो मीतू को अपने दादाजी की बेसब्री से प्रतीक्षा है। अचानक ही दरवाजे पर बेल बजती है, घंटी बजती है और मीतू दौड़कर जाती है, दरवाजा खोलकर आती है। लेकिन देखती है दादाजी तो बहुत हैरान परेशान है। तो पूछती है दादाजी क्या हुआ? दादाजी कहते हैं आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, एक तो बाहर इतनी गर्मी है और ऊपर से ये धुआं, इसने तो मेरी हालत ही खराब करके रख दी है। अब मीतू हैरान हो जाती है, सोचने लगती है कि धुएं से कैसे तबीयत खराब हो गई। तो दादाजी से पूछती है दादाजी धुएं से आपकी तबीयत कैसे खराब हो गई? तो दादाजी बताते हैं कि देखो मैं तो गाँव में ही रहता हूँ, वहीं पर पला बड़ा हूँ, तो मुझे गांव का वातावरण ही अच्छा लगता है। शहर का ये धूल भरा वातावरण मुझसे सहन नहीं होता, इसलिए मैं ऐसा अनुभव कर रहा हूँ कि मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। अब मीतू फिर परेशान हो जाती है, कहती है कि दादाजी धुएं से क्या होता है? तो दादाजी कहते हैं धुएं से हमारा ये पर्यावरण दूषित हो जाता है। अब वो सोचती है कि दूषित मतलब, दादाजी से पूछती है कि समझाते हैं दादाजी उसे, कहते हैं दूषित मतलब गंदा, कि हमारा वातावरण गंदी विषैली चीजों से दूषित हो जाता है, इसे प्रदूषण कहते हैं। तो मीतू सोचती है कि अच्छा तो प्रदूषण से वातावरण स्वच्छ नहीं रहता, ऐसे कैसे होता है? क्योंकि बच्चों मीतू बहुत छोटी है ना, तो उसके मन में बार बार प्रश्न आते रहते हैं कि ऐसा होता है तो ये क्या होता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना, जब आपके मन में प्रश्न आते हैं तो आप सोचते हैं कि मैं अपने प्रश्नों का उत्तर किससे ढूंढूं, किससे पूछूं। आप कभी मम्मी के पास जाते हैं, कभी पापा के पास जाते हैं, घर में दादा दादी होते हैं उनसे पूछते हैं। तो ऐसे ही मीतू हर विषय के बारे में सोचती है कि अच्छा अगर प्रदूषण हो गया तो कैसे हुआ, धुआं हुआ तो कैसे हुआ, धुएं से तबीयत खराब कैसे हुई, है ना। तो मीतू अपने दादाजी से प्रश्न करती है कि दादाजी ये पर्यावरण प्रदूषित कैसे हो जाता है? दादाजी उसे समझाते हैं कि देखो हमारे प्रदूषण में, जब हमारे वातावरण में जब विषैला धुआं, चारों ओर गंदगी, है ना, प्लास्टिक की थैलियां, ये सब जब मिल जाता है तो हमारा वातावरण दूषित हो जाता है। अब मीतू कहती है कि दादाजी अगर ये ऐसे ही गंदा होता रहा तो हमारे लिए तो हानिकारक होगा, है ना, तो हम इसे कैसे बच सकते हैं? तो दादाजी बताते हैं कि इससे बचने के लिए भी बहुत उपाय हैं, है ना। इससे बचने के लिए सबसे पहले तो हमें पेड़ों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। अब उसके मन में एक और प्रश्न आ जाता है कि पेड़, अब ये पर्यावरण प्रदूषण में पेड़ कहाँ से आ गए? तो दादाजी उसे बताते हैं कि पेड़ हमारे वातावरण को, हमारी वायु को शुद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मीतू सोचती है कि दादाजी एक बार मुझे पेड़ों के विषय में भी जानना है, वह बताइए मुझे कि पेड़ कैसे,
हमारी रक्षा करते हैं, हमारी वायु को शुद्ध करते हैं। तो दादाजी बताते हैं कि जितने अधिक से अधिक पेड़ हम लगाएंगे उतना ही हमारा वातावरण स्वच्छ रहेगा। तो मिंटू तो खुश हो जाती है। क्यों खुश हो जाती है? क्योंकि उसे उसके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। अब दादाजी उसे काम भी बताते हैं। दादाजी कहते हैं, देखो अगर आप अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहते हो तो आपको अपने जन्मदिन पर, हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना होगा। मिंटू बहुत खुश हो जाती है कि देखो मुझे कितना अच्छा काम भी मिल गया है ना, एक काम भी मिल गया और मैं इससे अपने वातावरण को स्वच्छ शुद्ध भी रख पाऊंगी। अब इतने में ही मम्मी की आवाज आ जाती है। मम्मी सबको खाने के लिए बुलाती है। जब डाइनिंग टेबल पर सभी बैठे होते हैं तो मीतू बात करती है, मम्मी मम्मी आपको पता है कि पेड़ हमारे वातावरण को स्वच्छ रखते हैं, इसलिए मैं अपने जन्मदिन पर पेड़ लगाऊंगी। अब उसकी मम्मी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है कि देखो कितनी छोटी बच्ची ऐसी बात कर रही है ना। सभी लोग घर में बहुत खुश हो जाते हैं जब आप भी इतनी छोटी सी उम्र में कोई बड़ा काम करने की सोचते हैं, तो सबको खुशी मिलती है। तब उसकी मम्मी पूछती है कि बेटा आपको ये बात किसने बताई कि पेड़ों से पर्यावरण शुद्ध होता है? तब वह कहती है कि मुझे ये बात दादाजी ने बताई। तो सभी बहुत खुश हो जाते हैं और सभी मिलकर उसके लिए तालियां बजाते हैं। और नीतू कहती है कि अब मैं अपने मित्रों को भी यह बात बताऊंगी कि वो लोग भी अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं। तो बच्चों आप भी मीतू की ही तरह अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा। बच्चों बचाव किसका है? हमारा ही है। अगर हम पर्यावरण को शुद्ध रखेंगे तो उसमें हम ही स्वस्थ रहेंगे, हमारे लिए ही लाभकारी होगा वो। इसलिए जो मीतू ने प्रतिज्ञा की कि वह अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएगी, तो बच्चों आज से आप भी एक एक प्रतिज्ञा जरूर कर लीजिए कि आप भी अपने जन्मदिन पर एक अच्छा काम अवश्य करेंगे। तो बच्चों हमारा ये था पाठ मीतू की प्रतिज्ञा, जिससे हमें एक शिक्षा भी मिलती है। शिक्षा क्या मिलती है? पर्यावरण को स्वच्छ रखना ही हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य, कर्तव्य अर्थात जिम्मेदारी। अगर हम अपने कार्य को जिम्मेदारी से करते हैं तो हमें उसमें ही सफलता मिलती है, और अगर हम पर्यावरण को स्वच्छ रखने की पूरी कोशिश करेंगे तो हमें उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। अब आप इस पाठ का पठन करेंगे। इस पाठ में जो भी अभ्यास कार्य दिया गया है उसे पहले स्वयं करने की कोशिश करेंगे। इससे संबंधित प्रश्न और कार्य पत्रिका आपको शीघ्र ही मिल जाएंगी। आपके लिए इतना ही काफी। अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ फिर मिलेंगे।